अब तो है जाने ना दूंगी, अब तो है जाने ना दूंगी, सौतन सी ये रैन है आई, सौतन सी ये रैन है आई। वेरी नाइस। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन आपके गाने के लिए। थैंक यू सो मच। क्या कहना चाहेंगे, किस तरह के मतलब ये जो गाना है आपको कैसे मिला इस फिल्म के लिए, कुछ बताना चाहेंगे? हाँ, ये गाना मिला मुझे संजय सर ने, संजय लीला भंसाली सर ने पहले मेरी वॉइस सुनी थी कहीं से, तो मैं शायद उनके माइंड में थी कहीं, तो जब ये गाना उन्होंने कंपोज किया होगा तभी मुझे वहाँ से कॉल आया उनके ऑफिस से कि इज दिस पायल देव सर, आपसे मिलना चाहते हैं कि गाने के पर्पस। मुझे पता भी नहीं था बाजीराव के लिए है या कौन सी मूवी के लिए है, तो मैं गई वहाँ, तो मैं बहुत नर्वस हो गई थी क्योंकि संजय लीला भंसाली सर से पहली बार मिलने वाली हूँ, और मतलब मैं बिलीव कर पाऊँगी या नहीं कि मैं उनके सामने हूँ, तो बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, और उन्होंने गाने के लिए बुलाया तो मैं और ज़्यादा नर्वस हो गई थी। फिर सर ने बोला कि तुम बहुत कंफर्टेबल फील करो, मैं गाना बताता हूँ, तो उन्होंने अपने असिस्टेंट्स को बोला आप गा के ज़रा बताओ, तो उन्होंने सुनाया मुझे, तो उसके बाद मैंने गाना फिर शुरू किया। सर को पसंद आ रहा था काफ़ी, लेकिन कहीं पे अगर कहीं थोड़ा ज़्यादा कुछ हरकत कुछ ज़्यादा, उन्होंने एक पूरा कैलकुलेट करके रखा था कि आपको यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ इतना ही गाना है, एक्स्ट्रा कुछ इसमें ऐड नहीं करना है अपना, तो फिर सर ने बताया कि नहीं ऐसा ऐसा ऐसा, उन्होंने सब कुछ बताया पॉइंट टू पॉइंट बिट टू बिट कि ये करना है, तो मेरे माइंड में था वो। फिर सर ने बोला कि ठीक है आप मुझे ये गा के एक बार आप एक रफ रिकॉर्ड करके मुझे सुनाइए, तो मैंने बोला ठीक है ट्राई तो करते हैं, अभी सर ने बोला, मैं ऑलरेडी बहुत बहुत सारी टेंशन चल रही थी कि पता नहीं संजय लीला भंसाली सर है उनको पता नहीं मेरी वॉइस पसंद भी आएगी या नहीं, काफ़ी सारी चीज़ें चल रही थी। फिर घर मैंने रिकॉर्ड किया एक रफ, फिर उनको भेजा सॉन्ग, तो वहाँ से मुझे कॉल आया फिर कि सर रियली लाइक्ड योर वॉइस, उन्होंने सर ने मेरे से बात किया, मुझे कॉन्ग्रेचुलेट किया उस टाइम पे, तब भी मुझे पता नहीं था कौन सी मूवी का है, तो मुझे लगा हो सकता है सर की कोई मूवी, तो फिर जब बाजीराव का मुझे लग रहा था कि हाँ शायद से बाजीराव का होना चाहिए या कुछ, तो फिर उसके बाद जब हुआ तो थोड़े टाइम के बाद एक और कॉल आया मुझे अलबेला सज्जन के लिए, जो कि फिल्म में आप मेरी वॉइस सुनोगे लीड वोकल जो है, तो सर ने उसके लिए फ़ोन की करवाया किसी से कि अलबेला सज्जन आप बोलो पायल को ज़रा गा के मुझे भेजे, तो मैंने वो गाया, तो फिर वापस सर को बहुत पसंद आया, फिर उन्होंने बोला ठीक है ये भी गवा के आप दे दो कि हम लोग फिल्म में रखेंगे, कि प्रियंका चोपड़ा का जहाँ पे शॉट आता है वहाँ पे वो मेरी वॉइस रखना चाहते थे, तब मुझे लगा कि शायद से वो सॉन्ग भी इसी मूवी का है। फिर मूवी जब ऑडियो जब रिलीज हुआ तब मुझे कंफर्म हुआ अरे हाँ इसी मूवी का था जो मैंने गाया था, एंड काफ़ी अच्छा, मतलब मुझे दो दो सॉन्ग दिया उन्होंने अपनी मूवी के लिए, फिर बैकग्राउंड वोकल्स, बैकग्राउंड में एक ठुमरी चलती है और जो भी मंत्राज है सब वो सब मैंने गाया है मूवी के लिए, मतलब मूवी के साथ मैं मतलब बहुत खुशनसीब हूँ कि मैं इतने हिस्से में जुड़ी हुई हूँ मूवी के साथ, तो ये मूवी तो अपने आप में हिस्ट्री है, तो एक हिस्ट्री के साथ जुड़ना भी एक बहुत किस्मत की बात होती है, तो मैं अपने आप को बहुत लकी मानती हूँ कि सच में सर ने मुझे अपने प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व किया। आपके दूसरे गाने की दो लाइनें सुनना चाहूंगा जो आपने कहा कि अलबेला सजन जो है, अंग सुगंधित मन आनंदित, अंग सुगंधित मन आनंदित, चहुर रंग बरसायो, चहुर रंग बरसायो रियल, तो ये सॉन्ग भी काफ़ी मेरा फेवरेट है क्योंकि अलबेला सजन जो है आपने हम दिल दे चुके सनम में सुना था, तो वो सॉन्ग मुझे तब से बहुत ज़्यादा पसंद है, और मुझे पता भी नहीं था कि कभी मैं ये सॉन्ग गाऊंगी या रीमेक होगा या कुछ, तो मैं बहुत खुश हूँ कि मतलब वो सॉन्ग में भी मैं मतलब सर ने मेरा पार्ट रखा है,
तो उसके लिए मैं बहुत थैंक्स बोलना चाहती हूँ। ये गाना होने के बाद क्या कुछ कॉम्प्लीमेंट मिले थे आपको इंडस्ट्री की तरफ से इस गाने को लेकर? अब तो ही को लेके तो बहुत सारे अच्छे विशेस सब लोगों ने विश किया। बहुत सारे बड़े म्यूजिक डायरेक्टर्स सबका बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है। सब लोग मुझे गाने भी मतलब गवाना शुरू किया है उन्होंने, क्योंकि एक आपका एक कुछ सॉन्ग आता है तो सबको पता चलता है मार्केट में कि हाँ आप क्या गाते हो। तो अभी बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा मुझे, गा भी रही हूँ मैं सबके लिए। तो आई रियली होप कि मतलब गाने जल्दी अगर आ जाए तो मैं भी खुश हो जाऊंगी। और इस साल का कोई ऐसा गाना जो आपको बहुत पसंद था और आप गाना चाहती थी? इस साल का मतलब इस साल का जैसे बहुत सारी फिल्में हैं, प्रेम रतन धन पायल, हाँ हाँ बहुत हाँ सारी फिल्में हैं, तो उसमें से कोई गाना जो आपको पसंद और आप गाना चाहते हो? गाना अभी चाहती हूँ मतलब, या गाना चाहती थी मैं? हाँ. हाँ मतलब मूवीज इतने अच्छे अच्छे मूवीज आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं से एक एक्सपेक्टेशन रहता है, पर वो भी लक की बात होती है। आपको वो अपना एक वो सॉन्ग कहाँ मिलता है जिससे आप रिकॉग्नाइज होते हो। हर कोई मेहनत करता है, हर कोई गाने गा रहे हैं, हर किसी की अपनी टीम है। बेसिकली अभी बॉलीवुड में टीम वर्क भी चल रहा है, तो हर कोई अपनी टीम के साथ काम करता है। मेरी भी टीम है तो मतलब जब भी गाने आते सबको मैं फॉलो करती हूँ, सुनती हूँ और सोचती हूँ कि हाँ चलो बहुत अच्छा है। पर हाँ कहीं ना कहीं से लगता है कि ये सॉन्ग मैं गा सकती थी या कुछ ऐसा, कभी ऐसा लगता है। ऐसा कौन सा सॉन्ग? मुझको इरादे दे, कसमे देवा दे दे, मेरी दुआओं के इशारे को सहारे दे, दिल को ठिकाने दे, नए बहाने दे, ख्वाबों के बारिशों को मौसम के पैमाने दे, अपने कर्म की कर दाए, कर दे इधर भी तू निगाहे, सुन रहा है ना तू, रो रही हूँ मैं, सुन रहा है ना तू, क्यों रो रही हूँ मैं। वेरी नाइस। जाते जाते अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में कुछ बताइए, क्या कुछ हो रहा है? अभी मैं काफी सब सारे लोगों के लिए गा रही हूँ, बहुत सारे जॉनर में गाया है, सूफी भी गाया, वेस्टर्न भी गाया है, रैप भी गाया है। तो अभी जो नेक्स्ट रिलीज इज ग्रेट ग्रैंड मस्ती, मैं खुद भी वेट कर रही हूँ सॉन्ग का। काफ़ी इंटरेस्टिंग सॉन्ग है एंड बिल्कुल हटके है, डिफरेंट जॉनर। नॉर्मली जो मैंने बाजीराव में गाया है उससे बिल्कुल ही डिफरेंट है वो सॉन्ग, तो मैंने काफ़ी इन्जॉय किया उसको भी गाने के लिए। तो इंद्र कुमार जी का मैंने पहले भी जैसे ग्रैंड मस्ती टाइटल ट्रैक गाया ही था, सुना होगा सबने, बहुत पसंद किया गाने को। तो उन्होंने वापस से उनका रिकॉल भी आया कि एक और ये सॉन्ग पायल के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, तो उन्होंने मुझ पे बहुत ट्रस्ट करते हैं इंद्र कुमार जी भी, तो उन्होंने मुझे बोला ये सॉन्ग गाने के लिए। तो काफ़ी अच्छा सॉन्ग है, आई रियली होप कि सबको पसंद आएगा बहुत। थैंक यू।